दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल टेकबिन ऑनलाइन में। मैं आपका दोस्त राहुल वर्मा, उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सब लोगों की डिमांड पे मैं ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस का कोर्स लेके आया हूं आप सब लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हां दोस्तों, इस कोर्स में मैंने बताया हुआ है कि आपको फ्लिपकार्ट पे अकाउंट कैसे बनाना है, प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करने हैं, प्रोडक्ट कैसे एडवर्टाइज करने हैं, पेमेंट कैसे आएंगी, ऑर्डर्स कैसे आएंगे। बहुत डीपली एक्सप्लेन किया है, आधे घंटे का ये वीडियो है, पूरा देखना, स्टेप बाय स्टेप सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप वाकई में ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को, इस कोर्स को, इस ट्यूटोरियल को पूरा देखना। आप अकाउंट कैसे बनाना है बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करने हैं, प्रोडक्ट कैसे एडवर्टाइज करने हैं, पेमेंट कैसे आएंगी, सब कुछ इसमें फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि सब कुछ एक्सप्लेन करना था। अब मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाऊंगा। तीन पार्ट्स में मैंने वीडियो को डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट में आएगा कि अकाउंट कैसे बनाना है फ्लिपकार्ट पे, दूसरे पार्ट पे आएगा कि प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करना है, और तीसरे पार्ट में आएगा कि प्रोडक्ट कैसे एडवर्टाइज करना है, पेमेंट कैसे मिलेंगी, आप ऑर्डर्स कैसे देख सकते हो अपने। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों ये हमारा सबसे पहला स्टेप है कि फ्लिपकार्ट पे सेलर अकाउंट कैसे बनाना है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने फ्लिपकार्ट की वेबसाइट ओपन की हुई है flipkart.com के नाम से गूगल क्रोम पे। इस वेबसाइट पे आपको सबसे नीचे जाना है, सबसे नीचे ऑप्शन है सेल ऑन फ्लिपकार्ट का, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप स्ट्रेट फ्लिपकार्ट के सेलर पोर्टल पे पहुंच जाओगे। अब आप नए मेंबर हो तो आपको फ्लिपकार्ट पे अकाउंट कैसे बनाना है, आपको सबसे पहले यहां पर आपका फोन नंबर डालना है। मैं यहां पे फोन नंबर डाल देता हूं। इसके बाद रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी, यहां पर आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, फोन नंबर, यहां पर ओटीपी आएगा आपके पास उसी नंबर पे, वो आपको डालना है, यहां पर अपना पूरा नाम डालना है, मैं कुछ भी डाल देता हूं, यहां पर आपको अपना पासवर्ड सेट करना है, उसके बाद साइन अप कर देना है। आपको जहां पर भी आप रहते हैं वहां पर आपको आपका पिन कोड डालना है वेरीफाई करने के लिए कि वहां पर फ्लिपकार्ट की सर्विसेज अवेलेबल हैं या नहीं है। देखिए मैंने डाल दिया, उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो ये मेरे को दिखा रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ग्रेट, वी कैन पिक अप एनी प्रोडक्ट फ्रॉम दिस पिन कोड एंड शिप इट टू करोड़ ऑफ बायर्स अक्रॉस इंडिया। तो मेरा पिन कोड जो है वहां पर फ्लिपकार्ट की सर्विसेज अवेलेबल है। अब यहां पर अपना पूरा एड्रेस डाल देना है आपको। उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। अब गिव योर बिजनेस डिटेल्स, यहां पर ये पूछ रहा है आई हैव अ जीएसटीन या आई विल सेल ओनली इन जीएसटीन एग्जेम्प्ट कैटेगरीज लाइक बुक्स। अगर आप बुक्स सेल करते हैं तो उस पे आपको जीएसटी नंबर की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपको यहां पर जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा और वेरीफाई करना पड़ेगा। थर्ड ऑप्शन ये है आई हैव अप्लाइड विल अप्लाई फॉर अ जीएसटीन, ठीक है, तो आप इस पे क्लिक करके यहां पे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इसके बाद ये आपसे मांग रहा है गिव योर बैंक डिटेल्स, आई हैव अ बैंक अकाउंट इन माई रजिस्टर्ड बिजनेस नेम। अगर उस नाम से आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आप ये डाल सकते हैं आई हैव अप्लाइड, कि आपने अप्लाई किया हुआ है उसी नाम से बैंक अकाउंट। एक बात ध्यान रखिएगा, जिस भी नाम से आपका
और जीएसटी नंबर होगा उसी नाम से आपका बैंक अकाउंट नंबर भी होना चाहिए। तो मैं जस्ट आपको ये सिखा रहा हूँ, आपको जीएसटी नंबर डालना होगा वहाँ पर और यहाँ पर आपको आपके बैंक डिटेल्स डालनी होगी। तो आपको सिखाने के लिए मैंने यहाँ पे आई हैव अप्लाइड पे क्लिक कर दिया, अदरवाइज आपको ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद मैंने कंटिन्यू कर दिया। ये देखिए, ये अब हम फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड पे आ गए हैं। यू आर ऑलमोस्ट रेडी टू स्टार्ट सेलिंग, पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर अपलोड करना है, दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे आपके सिग्नेचर डालने हैं। मैं जीएसटी नंबर ऑलरेडी, मेरा अकाउंट फ्लिपकार्ट पे बना हुआ है तो मैं सेम जीएसटी नंबर दोबारा नहीं डाल सकता यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन आपको अपलोड करना है, सिग्नेचर आपको डालने हैं, जो बैंक अकाउंट जिस भी नाम से आपका बैंक अकाउंट है उसका एक चेक यहाँ पे आपको अपलोड करना है, क्योंकि उसी अकाउंट में आपकी पेमेंट आएगी। यहाँ पर आपको आपका बैंक का नाम, बैंक की सारी डिटेल्स डालनी है, यहाँ पर आपने जो भी ईमेल आईडी डाली है उसकी वेरिफिकेशन आपको करनी है, ठीक है। तो ये हमारी अकाउंट डिटेल्स फिर पूरी हो जाएगी। जैसे मेरी यहाँ फ़ोन पे वेरिफिकेशन हो चुकी है, ये देखिए आप टिक लगा हुआ आया है, ईमेल वेरिफिकेशन मेरी नहीं हुई है। फ़ोन वेरिफिकेशन मेरी कैसे हुई, जो ओटीपी आया था उसके थ्रू मेरी फ़ोन वेरिफिकेशन हो चुकी है। इसके बाद बिजनेस डिटेल्स में आपको बस जीएसटी नंबर डालना है और आपने साइन वेरीफाई करवाने हैं। उसके बाद आपको नीचे देखिए बैंक अकाउंट डिटेल्स डालनी है, उसके बाद आपको कैंसिल चेक डालना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको डालनी ही डालनी है। देखिए, आपको एक जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा और उसी नाम से आपको एक बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। आपको और कुछ नहीं चाहिए, जीएसटी नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल, फ़ोन नंबर और एक ईमेल आईडी। ये चार चीज़ें आपकी मेन है, इन चार चीज़ों से आपका फ्लिपकार्ट पे अकाउंट खुल जाएगा। जब आप बैंक डिटेल्स डालोगे और चेक डालोगे तो आपके पास एक सैम्पल अमाउंट आएगा 48 आवर्स के अंदर अंदर, 1 रुपये या 2 रुपये का। वो आपको वहाँ पर इसी पैनल में जाकर डालना होगा, ऑप्शन आएगा एक, वो आप जैसे ही डाल देंगे तो आपकी ये बैंक अकाउंट डिटेल्स भी वेरीफाइड हो जाएंगी। उसके बाद आपको बस प्रोडक्ट लिस्ट करने होंगे, जो कि मैं अभी सिखाऊंगा कि कैसे लिस्ट करने हैं। पहले आइए, यहाँ पर आपको आपके स्टोर का नाम डालना है, जो भी आप यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे अपने स्टोर का नाम डिस्प्ले करना चाहते हैं। मैं डाल देता हूँ GRV रॉयल के नाम से। आपका स्टोर क्या सेल करता है, ठीक है ना, अपने स्टोर के बारे में आप बताइए कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, ये यहाँ पर आप सब लिख दीजिएगा। मैं लिख देता हूँ सेल मोबाइल एसेसरीज, अभी मैं बस इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। वो मेरा अब सेव हो गया, स्टोर डिटेल्स मेरी सेव हो गई। देखो जहाँ पे ग्रीन टिक लगा आ गया, वो मेरी चीज़ें हो गई हैं। जितने भी ये साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पे सब में ग्रीन टिक लगा आना चाहिए, अभी मेरा अकाउंट 20% कंप्लीट है। ईमेल मेरे को वेरीफाई करना है, जीएसटी नंबर मुझे डालना है, साइन वेरीफाई करने हैं, बैंक अकाउंट डिटेल डालनी है, कैंसिल चेक डालना है, उसके बाद प्रोडक्ट्स मुझे अपलोड करने हैं। एटलीस्ट मिनिमम 2 प्रोडक्ट मुझे अपलोड करने हैं अकाउंट एक्टिव करने के लिए। तो दोस्तों, ये थी फ्लिपकार्ट पे अकाउंट बनाने की बात, कि फ्लिपकार्ट पे अकाउंट कैसे बनाना है। आपको समझ में आ गया होगा, मेन चीज़ें सारी ऊपर दे रखी हैं यहाँ पे, जीएसटी नंबर, साइन चेक और बैंक डिटेल्स, उसके बाद ईमेल एड्रेस, और कुछ नहीं चाहिए आपको। सिर्फ इन्हीं की मदद से आप अपना फ्लिपकार्ट पे सेलर अकाउंट बना सकते हैं। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जीएसटी नंबर आपको 1000 से 1500 रुपए के बीच में मिल जाएगा। अगर कोई आपका जान पहचान का है तो 600-700 रुपए में भी दे देगा। अगर कोई ये बोलता है कि 4000 या 5000 रुपए लगेंगे तो वो आपका बेवकूफ बना रहा है और कुछ नहीं है। जीएसटी नंबर 1000-1500 रुपए से ऊपर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी पहली वीडियो कि फ्लिपकार्ट पे सेलर अकाउंट कैसे बनाना है। सारी डिटेल्स आपको मिल गई हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे अपनी दूसरी वीडियो कि फ्लिपकार्ट पे अकाउंट बनाने के बाद प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करने हैं। दोस्तों, जैसा कि इससे पहली वीडियो में आपने सीखा कि
कि फ्लिपकार्ट पे सेलर अकाउंट कैसे बनाना है। अब चलिए सीखते हैं कि सेलर अकाउंट तो बना लिया, लेकिन प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करने हैं। एक बात ध्यान में रखना, आप फ्लिपकार्ट पे कोई भी प्रोडक्ट ऐसे ही लिस्ट नहीं कर सकते किसी भी ब्रांड का, आपको उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाता हूँ कैसे। आपको लिस्टिंग के ऑप्शंस में जाना है। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है ऐड न्यू लिस्टिंग का, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद एक ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, ऐड अ सिंगल लिस्टिंग और ऐड लिस्टिंग्स इन बल्क। मैं आपको यही एडवाइस करूँगा, क्योंकि आप अभी फ्लिपकार्ट पे नए हो तो आप यही ऑप्शन चूज कीजिए ऐड अ सिंगल लिस्टिंग का, कि एक एक करके आप प्रोडक्ट लिस्ट कीजिए। चलो अब हम इस पे क्लिक करते हैं ऐड अ सिंगल लिस्टिंग पे। यहाँ देखिए कई सारी कैटेगरीज आ गई, जैसे कि होम एंड ऑफिस फर्नीचर, ऑटोमोटिव केयर एंड एसेसरीज, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, होम एंड किचन एसेसरीज, प्रोफेशनल मेडिकल सप्लाईज, गेमिंग, हाउस होल्ड। आप जिस भी कैटेगरी में सेल करना चाहते हैं वो आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपका प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में आता है। जैसे कि ज्वेलरी आ गई, पेन स्टेशनरी एंड हॉबी मटेरियल, हेल्थ एंड ब्यूटी, कंप्यूटर एसेसरीज, मोबाइल टैबलेट्स एंड एसेसरीज, फुटवियर एसेसरीज, उसके बाद पेट सप्लाईज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कैमरा एंड एसेसरीज। तो सारी कैटेगरीज हैं इसके अंदर, आपका प्रोडक्ट जिस भी कैटेगरी में आता है आपको वो कैटेगरी चूज करनी है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि मेरा प्रोडक्ट है ब्लूटूथ स्पीकर्स, तो वो आता है ऑडियो में, तो मैं टीवी ऑडियो एंड वीडियो प्लेयर्स पे क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पर होम ऑडियो पे जाऊँगा, इसके बाद ये रहा स्पीकर्स का ऑप्शन, स्पीकर्स पे जाऊँगा, देन सेलेक्ट ब्रांड। अब यहाँ पर बात आती है कि मैं कौन से ब्रांड का स्पीकर सेल कर रहा हूँ। अगर मैं सेल करना चाहता हूँ JBL का स्पीकर या सोनी का स्पीकर, तो क्या मैं उसको सेल कर पाऊँगा? नहीं, मैं ऐसे ही JBL या सोनी का स्पीकर सेल नहीं कर पाऊंगा। देखिए सब, मैंने यहाँ पे JBL ब्रांड डाला, चेक ब्रांड। देखिए फ्लिपकार्ट मुझे अलाउ नहीं कर रहा है कि मैं JBL सेल करूँ। आप भी जानते हैं कि JBL की कितनी डुप्लीकेट कॉपीज बिक रही हैं, तो इन्हीं सब मेजर्स को ध्यान में रखते हुए फ्लिपकार्ट के रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गए हैं, अमेजोन के भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो हम ऐसे ही JBL सेल नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास ऑथोराइजेशन लेटर ना हो कंपनी की तरफ से। हमें JBL कंपनी से या जिस भी कंपनी में हम सेल करना चाहते हैं, हमें या तो हमारे पास या तो उसकी डीलरशिप हो या डिस्ट्रीब्यूटरशिप हो, या हमारे पास कंपनी की तरफ से ऑथोराइजेशन लेटर हो, या हम डीलर से माल लें जो ऑथराइज डीलर हो उसका, उसके पक्के बिल पे माल लें, तब हम JBL या कोई भी ब्रांड हम सेल कर सकते हैं। अब मैं कौन से स्पीकर सेल करता हूँ? मैंने अपना खुद का ट्रेडमार्क लिया हुआ है। मैं आपको यही एडवाइस करूँगा, अगर आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हो तो अपना खुद के नाम का एक ट्रेडमार्क नंबर ले लो। ट्रेडमार्क नंबर 2 से 3 दिन में आ जाता है, ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट को आने में 6 महीने लगते हैं। दोस्तों वो आपका एक नाम हो जाएगा, उस नाम से फिर कोई दूसरा बंदा सेल नहीं कर सकता। मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे कोई नाम नहीं होता, ठीक है, आप उस पे अपना नाम लगा के बेचो। अब जैसे जो मैंने ट्रेडमार्क नंबर लिया हुआ है, सपोज करो मैं यहाँ पर डालता हूँ अपने ब्रांड का नाम, चेक ब्रांड पे क्लिक किया, देखो यू कैन स्टार्ट सेलिंग अंडर दिस ब्रांड। मैंने अपना ट्रेडमार्क लिया हुआ है तो मैं इस ब्रांड में सेल कर सकता हूँ। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रहे, आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, किसी भी, अगर आप किसी कंपनी का सेल कर रहे हो तो आपको उस कंपनी से
ऑथराइजेशन लेटर लेना होगा। अगर ऑथराइजेशन लेटर नहीं मिल पाता आपको तो आपको कंपनी की डीलरशिप लेनी होगी, डीलरशिप भी नहीं मिल पाती आपको तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी होगी, डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी नहीं मिल पाती आपको तो आपको किसी ऑथोराइज डीलर से, मैं इस वर्ड पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, ऑथोराइज डीलर से माल लेना होगा और उसका पक्का बिल लेना होगा, तभी आप वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ट्रेडमार्क नंबर लो और अपना ब्रांड बनाओ, फिर तो आप अपने अपने ही नाम से कोई सा भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सेकंड ऑप्शन बेटर है। आपको अब ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करते हैं। मैं एक स्पीकर का ही एग्जाम्पल लेता हूँ। क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट की 4-5 फोटोज डालनी होंगी। ठीक है, यहाँ पर फोटोज का ऑप्शन है, उसके बाद ये आपको फिल करना होगा। जहाँ पर ये वाला जो सेक्शन है ये ऑप्शनल है, आप इसको फिल करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कस्टमर के पास आपके प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जितनी इन्फॉर्मेशन दोगे आप, जितनी सही इन्फॉर्मेशन दोगे आप, उतने प्रोडक्ट आपके अच्छे बिकेंगे। चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं एडिट पे। पहला ऑप्शन आता है सेलर SKU ID का। आप ये अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी नाम डाल सकते हैं इसमें। सपोज को मैंने डाल दिया PER 0001। उसके बाद लिस्टिंग स्टेटस में आपको एक्टिव डालना है, यहाँ पर प्रोडक्ट की MRP डालनी है, यहाँ पर प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस डालना है। सपोज को मैंने डाल दिया 1499। ठीक है, यहाँ पर आपको डालना है फुलफिलमेंट बाय सेलर, प्रोक्योरमेंट टाइप इन स्टॉक। आप एक्सप्रेस भी चूज कर सकते हो, एक्सप्रेस में आपके पास जो कुरियर बॉय हैं वो जल्दी आ जाएंगे माल लेने के लिए। आप इन स्टॉक डालो अभी, आप नए हो। प्रोक्योरमेंट SLA, इसका मतलब होता है जो भी आप ये चूज करोगे, सपोज करो 1 डे डाला, तो आपको 24 घंटे बाद ही, आपको 24 घंटे के अंदर अंदर अपना प्रोडक्ट पैक करना होगा। जब ऑर्डर आ जाएगा आपके पास, आपको 2 डालना है तो 48 आवर्स के अंदर अंदर, यानी कि 2 दिन के अंदर अंदर। सपोज करो मैंने 1 डाल दिया, उसके बाद स्टॉक आपके पास जितना भी माल है आप वो डाल सकते हो अपने हिसाब से, 50, 100, 200, 300, जितना भी आपको डालना है वो डाल दो, मैंने 100 डाल दिया। शिपिंग प्रोवाइडर, यहाँ पर आप फ्लिपकार्ट डालोगे। उसके बाद लोकल डिलीवरी चार्ज, जो आप कस्टमर से चार्ज करोगे डिलीवरी का। ठीक है, मैं डालता हूँ इसमें जो लोकल होता है मैं 30, यहाँ 45 और ये 55। लोकल का मतलब जैसे कि मैं दिल्ली में हूँ, अगर मेरे पास दिल्ली NCR से ऑर्डर आएंगे तो मैं कस्टमर से 30 रुपये चार्ज कर रहा हूँ। थोड़ा उसके बाहर से ऑर्डर आएंगे जो उसके आसपास की टेरिटरी लाइक चंडीगढ़ वगैरह, तो मैं 45 रुपीज़ चार्ज कर रहा हूँ। और बिल्कुल ही दूर से ऑर्डर आएंगे लाइक जम्मू वगैरह से, तो मैं 55 रुपीज़ चार्ज कर रहा हूँ कस्टमर से। उसके बाद आपके प्रोडक्ट का जो भी वेट है, पैकेजिंग डिटेल्स, वो आपको डालनी है। सपोज करो मेरा 500 ग्राम का प्रोडक्ट है तो मैंने 0.5 डाल दिया। पैकेज की लेंथ कितनी है, सपोज करो मेरी 20 सेंटीमीटर लेंथ है, 15 सेंटीमीटर ब्रेथ है, 12 सेंटीमीटर हाइट है, मैंने वो डाल दिया। उसके बाद आपको HSN कोड डालना है, ये टैक्स डिटेल्स है। HSN कोड जो वो आपकी कैटेगरी में जो भी HSN कोड होगा, आप गूगल पे सर्च मार लीजिए, या भी या जो भी आपका अकाउंटेंट है उससे आप पूछ लीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, अभी तो मैंने ऐसे ही डाल दिया। जिस पे स्टार लगा हुआ है ये कंपलसरी है, आपको भरने ही भरने हैं ये ऑप्शन। ठीक है ना, टैक्स कोड मेरी कैटेगरी 18% पे आती है तो मैंने GST 18 डाल दिया है। अब देखिए ये मैन्युफैक्चरर डिटेल्स, अब ये ऑप्शन ना 10 अगस्त के बाद मैंडेटरी हो जाएगा। आपको डालना ही होगा कि आपका प्रोडक्ट कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है, मेड इन इंडिया है, मेड इन चाइना है, या कहीं किसी और देश में मैन्युफैक्चर हुआ है, तो ये डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी। अभी यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ, लेकिन थोड़े दिनों बाद यहाँ पर स्टार लगा हुआ आ जाएगा, तो आपको ये चीज़ें भरनी है, उसके बाद सेव कर देना है इसको। ठीक है, अब देखिए मेरे यहाँ पर एक भी एरर नहीं है, तो ये चीज़ मेरा पहला राइट क्लिक लगा हुआ आ गया, यानी कि ये सेव हो गया। मैंने फोटोज नहीं डाली इसलिए ये एरर आ रहा है। अभी मैंने ये भी नहीं डाली तो यहाँ पे 11 एरर्स आ रहे हैं, तो अब इस पे क्लिक करते हैं। मॉडल नंबर डालना है आपको, ठीक है ना,
मॉडल नंबर आप जो भी उसका नाम रखना चाहते हैं आप यहाँ पर डाल सकते हैं। सपोज करो मैंने लिख दिया वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर, ठीक है। कलर डालना है, मैंने ब्लैक डाल दिया। क्या टाइप है, कौन सा टाइप है, मतलब तो यहाँ पर मैंने डाल दिया मोबाइल टैबलेट स्पीकर। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मैंने 4.1 डाल दिया। ब्लूटूथ स्पीकर है, यस मैंने डाल दिया। इसके बाद कलर दोबारा से पूछ रहा है, मैंने ब्लैक डाल दिया। कितने वॉट का है, मैंने 10 वॉट डाल दिया, ठीक है। सेल्स पैकेज क्या है, उस पैकेट के अंदर 1 ब्लूटूथ स्पीकर विथ पावर केबल, मतलब एक ब्लूटूथ स्पीकर है चार्जिंग केबल के साथ। उसके बाद दोबारा से ये डायमेंशंस मांग रहा है, विड्थ हाइट एंड डेप्थ, ठीक है। मैंने डाल दिया 20, 12 और 15, देन सेव कर दो। अब ये देखिए, ये यहाँ पर भी कोई एरर नहीं आ रहा, यानी कि ये दोनों मेरे बिल्कुल ठीक हैं। ये एडिशनल डिस्क्रिप्शन है, आपको जो भी यहाँ पर डालना है आप वो डाल सकते हैं, ठीक है ना। मैं इसमें आपको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, यहाँ पर कीवर्ड्स का ऑप्शन है और डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, ये दो चीज़ ज़रूर फिल करना, कीवर्ड से आपका प्रोडक्ट सर्चिंग में आता है, ठीक है। जो भी कैटेगरी का आपका प्रोडक्ट होगा आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर फोटोज़ अपलोड कर दूँगा तो ये प्रोडक्ट मेरा बिल्कुल ओके हो जाएगा। चलिए मैं फ़ोटोज़ अपलोड एक दो कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ अगर मेरे पास सेव होंगी तो। लेट मी चेक, देखिए ये फोटो मैं डाल देता हूं। फोटो का साइज आप देख लीजिए, 500x500 होना चाहिए, अगर इससे कम होगा तो वो फेल हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको यहां पर सेव कर देता हूं। मैंने एक फोटो डाल के दिखाई, आपको एग्जांपल दिखाया है, ठीक है ना। उसके बाद आप डाल सकते हैं, 3-4 फोटोज आपको डालनी ही डालनी है और हर एंगल से लेकर डालनी है। यहाँ पर मैंने इसको सेव कर दिया। आपको उसके बाद जाना है सेंड टू क्वालिटी चेक। यहाँ सेंड टू क्वालिटी चेक आप करोगे तो देखिए ये आपका प्रोडक्ट क्वालिटी चेक इन प्रोग्रेस। अब फ्लिपकार्ट इसको चेक करेगा, विद इन 48 आवर्स आपके पास रिप्लाई आ जाएगा कि आपका प्रोडक्ट क्वालिटी चेक पास हुआ है या फेल हुआ है। ये देखिए, इससे पहले जो मेरा प्रोडक्ट था वो क्वालिटी चेक पास है, ठीक है। तो ऐसे फ्लिपकार्ट पर प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप्स, एक एक करके, ठीक है। ये मैंने आपको सिखाया कि फ्लिपकार्ट पर प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करते हैं। अब एक तरीका और है, अगर आपको कोई ब्रांड लिस्ट करना है, सपोज करो मैं डाल देता हूँ कि आपको XDO लिस्ट करना है, ठीक है ना। आप ये कैटेगरी में सेल करना चाहते हो तो सर्च करो। अगर कोई और बंदे भी इस कैटेगरी में सेल कर रहा है, लाइक XDO सेल कर रहा है या जो भी प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं, तो ये देखिए इतने सारे ये सेल कर रहे हैं। सपोज करो आपको ये पहला ही आपको सेल करना है, एक्स गोल्ड एंड डार्क टेम्परेशन, ये 3 का पैक है 450ml का, ये आप सेल करना चाहते हो। अप्लाई फॉर अप्रूवल आपको कर देना है। फिर वही चीज, आपको इसका या तो आपको इसके डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, या तो आप ब्रांड के ऑनर हो, ठीक है ना, या आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, ट्रेडमार्क है, या सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। देखो यहाँ पे ये दे रहा है यहाँ पर आपके पास क्या है, ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट है या ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर है या इनवॉइस है। जो इनवॉइस मैंने आपको बताया था कि ऑथोराइज डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से ही आपको लेना है, ठीक है ना। अगर आप कैसी ही किसी दुकान से सामान लेके उससे बिल लेके आप बेचोगे तो वो अप्रूव नहीं होगा, ये इस बात का ध्यान रखना मेरा, या कोई और आपका अदर डॉक्यूमेंट है। आपके पास ये सारी चीज़ों में से कोई एक डॉक्यूमेंट भी है तो आप सेल कर सकते हो फ्लिपकार्ट पे। तो दोस्तों मैंने आपको सिखाया कि फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करने हैं। अब इसके बाद मेरी वीडियो आएगी नेक्स्ट कि आपको फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद उस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कैसे करना है। दोस्तों जैसा कि पिछली दो वीडियोस में आपने सीखा कि फ्लिपकार्ट पे सेलर अकाउंट कैसे बनाना है और प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करने हैं, जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी, अब प्रोडक्ट लिस्ट तो हो गए लेकिन उस प्रोडक्ट के ऑर्डर्स कैसे आए,
दोस्तों, ऑर्डर्स लाने के लिए आपको थोड़ी सी एडवर्टाइजिंग तो करनी ही होगी, अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना होगा। जब आप अपने प्रोडक्ट को दुनिया को दिखाएंगे तभी तो वो बिकेगा प्रोडक्ट आपका। एक बार अगर आपके प्रोडक्ट पे अच्छा रेस्पॉन्स आना शुरू हो गया तो उसके बाद तो आपको एडवर्टाइजिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो वैसे ही बिकेगा। चलिए अब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आपको प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कैसे करनी है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये ऑर्डर्स का टैब है। पहला ऑप्शन एक्टिव ऑर्डर्स का है कि आपके पास कितने ऑर्डर्स आए। ये तभी आएंगे ऑर्डर जब आप प्रोडक्ट लिस्ट कर लोगे। उसके बाद ये रिटर्न्स का है कि किस कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट रिटर्न कर दिए या आपका प्रोडक्ट उस एड्रेस तक नहीं पहुंचा। इसकी सारी इंफॉर्मेशन इस टैब में आ जाएगी, रिटर्न्स के टैब में। देन कैंसलेशंस का ऑप्शन है कि आपने कोई ऑर्डर कैंसिल किया है या कस्टमर ने कोई ऑर्डर कैंसिल किया है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन इस ऑप्शन पे आ जाएगी। देन पेमेंट का ऑप्शन है कि आपकी पेमेंट कितनी बनी है। फ्लिपकार्ट की एक और अच्छी खास बात यह है कि इसकी पेमेंट हफ्ते में 3 दिन होती है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। आप पेमेंट का जो साइकिल है वो 14 से 21 दिन लेकर चलिए शुरुआत में, क्योंकि पहले ऑर्डर आएगा, उसके बाद आप उसको पैक करोगे, उसके बाद वो फ्लिपकार्ट के ऑफिस में जाएगा, देन उसके बाद वो कस्टमर के पास जाएगा। कस्टमर के पास जाने के बाद भी फ्लिपकार्ट 7 से 10 दिन लेता है कि आपके प्रोडक्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है, कस्टमर को अगर पसंद नहीं आया तो वो वापस कर सकता है। उसके बाद आपकी पेमेंट जाकर बनती है, फ्लिपकार्ट अपनी कमीशन काटकर आपको पेमेंट कर देता है। देन ऑप्शन आता है यहाँ पर एडवर्टाइजिंग का। आप यहाँ से भी चूज कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग, और सीधा यहाँ से भी चूज कर सकते हैं। आप एडवर्टाइजिंग पे क्लिक करोगे तो एक ऐसी विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन है क्रिएट कैंपेन का, आपको इस पे क्लिक करना है। फिर एक ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी, इस पे आप कैंपेन का कुछ भी नाम डाल सकते हो। सपोज करो मैंने सुपर सेवर डील्स डाल दिया कैंपेन का नाम। देन आपको अपना कौन सा प्रोडक्ट एडवर्टाइज करना है, यहाँ पर कई सारे जो जो भी आपने प्रोडक्ट डाले होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। आप टिक कर लेना ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। जिस भी प्रोडक्ट को आप एडवर्टाइज करना चाहते हो आप उस पर क्लिक कर लेना। सपोज करो मैं इस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना चाहता हूँ, मैंने इस पर टिक किया, देन नेक्स्ट स्टेप पे मैंने क्लिक कर दिया। अब दोस्तों एडवर्टाइजिंग का जो मेन पार्ट है ना वो यहाँ से शुरू होता है। एडवर्टाइजिंग 2 तरीके की होती है, एक होती है सीपीसी और एक होती है स्मार्ट आरओआई। सीपीसी का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके जो पैसे कटेंगे, अगर किसी कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो आपने जितनी सीपीसी डाल रखी होगी, एक बिड होती है, ये देखिए यहाँ सीपीसी लिखा है, यहाँ पर डिफॉल्ट आ रही है 0.85, यानी कि 0.85 पैसा। अगर कस्टमर आपके प्रोडक्ट पे एक बार क्लिक करेगा तो आपके अकाउंट से 85 पैसे कट जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है सीपीसी। और एक होता है स्मार्ट आरओआई, यानी कि स्मार्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सीपीसी में आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी अच्छी होती है, विजिबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, आपका प्रोडक्ट कस्टमर्स को दिखता है। स्मार्ट आरओआई में क्या होता है कि फ्लिपकार्ट खुद एफर्ट करता है कि आपके प्रोडक्ट पे एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा मिल जाए। तो मैं हमेशा सीपीसी ही चूज करता हूँ, स्मार्ट आरओआई चूज नहीं करता, क्योंकि मुझे अपना प्रोडक्ट लोगों तक दिखाना है, लोगों को दिखाना है। अब यहाँ पर कैंपेन की ड्यूरेशन, आप इसमें एंड डेट भी डाल सकते हो। अगर यहाँ हम क्लिक नहीं करते तो आप कुछ भी एंड डेट डाल सकते हो, ठीक है ना। सपोज करो ये 16 तारीख को शुरू करी है मैंने कैंपेन, ठीक है, और मैंने इस पे 18 डाल दी या 20 डाल दी, ठीक है ना। यहाँ टाइम सेलेक्ट कर लो कि किस टाइम तक आप चलाना चाहते हो, ठीक है ना, कुछ भी डाल दो यहाँ पर, इसको ओके कर दो, ठीक है। और बजट डाल दिया, मिनिमम आपको यहाँ पर 1,000 रुपये का बजट डालना है। आपके जो 85 पैसे कटेंगे वो इस 1,000 रुपये में से कटते रहेंगे। अब आप यहाँ पर
एक ऑप्शन और ध्यान से देखिए, आपको इक्वली डिवाइड द बजट फॉर ऑल डेज, इस पे क्लिक करना है। अगर आपने 3 दिन के लिए चूज़ किया, 4 दिन के लिए चूज़ किया, 1,000 रुपये का बजट, तो आपके हर रोज़ 250 250 250 रुपये कटेंगे। आपके उस एक दिन में 250 रुपये से ज़्यादा नहीं कटेंगे। अगर आपने ये ऑप्शन चूज़ नहीं किया तो हो सकता है ये 1,000 रुपये आपके 2 घंटे में भी ख़त्म हो जाए। तो बहुत ध्यान से अपनी कैंपेन बनाना, ऐसा ना हो कि आपने कैंपेन बना दी, आप चेक कर रहे हो सकता है 2 घंटे में आपके 1,000 रुपये ख़त्म हो जाएं, आपके उस प्रोडक्ट के ऑर्डर्स भी ना आए, ठीक है ना। तो हमेशा शुरुआत में चेक करना, 1,000 रुपये का बजट वो डालना, बजट डालना, अपने प्रोडक्ट चेक करना कि कौन से प्रोडक्ट पे आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो इसलिए अपने बजट को हर रोज़ इक्वली डिवाइड कर देना। उसके बाद देखो यहाँ पर विनिंग बिड रेंज आ रहा है कि आपके प्रोडक्ट की ज़्यादा विजिबिलिटी होगी अगर आप बिड 0.85 को की जगह 2.74 से लेकर 15.32 के बीच में रखोगे। तो कोई ज़रूरत नहीं है रखने की, क्योंकि अगर आप 2.74 भी रखते हो तो एक क्लिक पे आपके 2.74 यानी कि 2 रुपये 74 पैसे कट जाएंगे, आपका बजट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो जो डिफ़ॉल्ट बिड आती है आप वही रखो। डिफ़ॉल्ट यहाँ पर अपने आप 0.85 आई है, इससे कम आप नहीं रख सकते, ठीक है ना, आपको इतनी तो रखनी ही होगी। उसके बाद कुछ नहीं है, आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप पे जाने के बाद यहाँ पर आपको पे 1,000 रुपये पे करने हैं और आपकी कैंपेन क्रिएट हो जाएगी। दोस्तों अगर आपके COD में 1,000 रुपये हैं, COD मतलब कैश ऑन डिलीवरी का जो बैलेंस है आपका, उसमें 1,000 रुपये हैं, तो ऑटोमेटिकली ये उससे कट जाएंगे, अदरवाइज़ आपको अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी होगी। शुरुआत में तो आपको अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड से या किसी वॉलेट से पेमेंट करनी होगी। एक बार ऑर्डर्स आ जाएंगे, आपका बैलेंस फ्लिपकार्ट के अंदर आ जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली आप सीधा COD से भी बैलेंस कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये थी एडवर्टाइजिंग की बात कि आपको एडवर्टाइज अपना प्रोडक्ट कैसे करना है, कैसे अपना प्रोडक्ट मार्केट करना है, ठीक है। तो अब मैंने 3 वीडियोस बनाई हैं फ्लिपकार्ट पे, जिसमें मैंने आपको सिखाया है कि आपको अकाउंट कैसे बनाना है, प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करने हैं, पेमेंट कैसे आएंगी, ऑर्डर्स कैसे हैं, रिटर्न्स कैसे हैं, कैंसिलेशन कैसे हैं, और प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कैसे करनी है बहुत ध्यान से, ठीक है। इसमें गलती मत करना एडवर्टाइजिंग में। कोई भी डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा।